अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग मानी फिटनेस। आज हमारा टॉपिक है डाइट प्लान। तो काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं बच्चों को, वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, मसल की ग्रोथ नहीं हो रही। तो काफ़ी भाइयों की जो है ना गुजारिश है कि मानी भाई डाइट पे भी आप एक वीडियो बनाएं। तो आज हम आपको डाइट प्लान बताने लगे हैं। सुबह जो ब्रेकफास्ट आपने करना है 9 बजे साढ़े 9 बजे तक आपने जो है ना 2-3 एग लेने हैं, फ्राई कर लें या बॉयल कर लें। साथ में आपने 1 कप दूध का लेना है या चाय का लेना है, ठीक है। और ब्राउन ब्रेड ऐड करनी है, उसमें आप जो है ना चिकन फ्राइड लगा लें या पीनट बटर ऐड कर लें। ये आपका ब्रेकफास्ट है। 11:30 या 12 बजे आपने पाव दही या एक दलिया गंदम का जो होगा ना हाफ बाउल खाना है आपने, उसमें आप फ्रूट ऐड कर लें अगर इशू आ रहा हो ना खाया जाए। और तीसरा जो है ना आपने 1:30 बजे एक सलाद की प्लेट खानी है, उसमें आप चिकंदर ऐड कर लें जो आपको पसंद है, वो सलाद की प्लेट आपने लाजमी खानी है। और 3:30 बजे आपने एक रोटी के साथ सब्ज़ी ज़्यादा, और 5 बजे आप फ्रेश जूस ऐड कर लें या मिल्क शेक ऐड कर लें। अगर ऐसी बॉडी है तो आप मिल्क शेक पीना है, अगर मेरी तरह है आपकी फिजीक तो आपने फ्रेश जूस पीना है, एप्पल का हो जाए कोई भी फल हो जाए उसका आपने पीना है। उसके बाद 7 से 7:30 बजे ना आपने या 8 बजे तक आपने 3 एग्स बॉयल और विद ग्रीन टी आपने ये खाने हैं, या 4 एग हो जाए। प्रोटीन होगी, मसल की ग्रोथ होगी और मसल अपनी शेप पर आएगा। 9:30 से 10 बजे भी आपने ना एक चिकन का ग्रिल पीस हो जाए या कीमा हो जाए, ठीक है। आधी रोटी ऐड कर लें अगर ज़्यादा दिल करे रोटी खाने का, अगर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन टी के साथ आप एक सीने का पीस या लेग का पीस आपने खाना है। ये आपकी डाइट है। 1 महीना आप करें इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और 10 kg इंशाल्लाह आप वेट गेन करेंगे 100%। ये मुझे जो है ना आपने करके कमेंट में बताना है 1 महीने बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। इस बच्चे को आप 1 महीने बाद देखेंगे, ये डाइट पे अमल करेगा, इसको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बाय बाय कर दें। मुकेश चौधरी को भी मुकेश चौधरी बाय बाय।